नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है बोस और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज है एक नया दिन, एक नई सुबह, और मैं जा रहा हूँ कुछ नया एक्सप्लोर करने दुबई में। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो अभी मैं आ गया हूँ दुबई मरीना और मैं इधर लेने वाला हूँ एक स्पीड बोट टूर, जहाँ मुझे दुबई समुंदर का पूरा एक टूर मिलने वाला है, जिसमें मरीना, अटलांटिस, पाम और बुर्ज अल अरब भी इंक्लूडेड रहेगा। तो मैंने मेरा ट्रिप बुक किया था एक्सक्लूसिव यॉट के साथ, तो ये मुझे लगभग 2600 पर पर्सन का आया था। तो अभी आपके ऊपर है, अगर आप चाहे तो स्पीड बोट टूर भी ले सकते हैं, या फिर येलो बोट टूर या ऐसा कुछ होता है वो भी ले सकते हो, या फिर क्रूज़ टूर होता है वो भी ले सकते हो। क्रूज़ था थोड़ा कॉस्टली रहेगा, इसका डबल प्राइस रहेगा, लेकिन उसमें लंच या लंच इंक्लूडेड रहता है, या लंच ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ। तो आप अपने अनुसार प्लान कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, अपने बजट के अनुसार आप इजीली प्लान कर सकते हो। तो इधर आप मेट्रो से भी आ सकते हो, या फिर अगर आप ग्रुप ट्रैवलर हो तो आप टैक्सी भी ले सकते हो। अगर आपको मेट्रो से आना है मरीना के तरफ, तो आप कहीं भी मेट्रो लो, रेड लाइन शायद, उधर से आप DMCC मेट्रो स्टेशन उतर के फिर आपको एग्जिट 3 लेके गूगल मैप देख के आपको इधर आना है। नहीं तो आप डायरेक्ट टैक्सी लेके अल मजारा टावर्स 2 बोल के एक जगह है, उधर ड्रॉप देके आप आ सकते हो। एकदम डायरेक्ट आपको इधर ही उतर इधर ही एकदम डायरेक्ट आप आके उतरेंगे। तो वो आपके हिसाब से जो आपको अफोर्डेबल लगे आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो फाइनली अभी अब हम लोग आ गए अपने राइट के तरफ। तो आप लोगों को बता दूं कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, तो वीडियो में शायद आप लोगों को दिखेगा कि मतलब मैं कैसा डरा हुआ हूँ, तो कुछ माइंड मत करना। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं और थोड़ा मतलब ब्रेव होने का कोशिश करूँगा, लेकिन इसमें आप देख पाएंगे कि मेरी तो एकदम हालत बुरी हालत है एकदम बोट में। तो ये एक लगभग 90 मिनट्स का टूर होने वाला है, जिसमें हम लोगों को स्पीड बोट में घुमाया जाएगा। तो आज चलिए देखते हैं क्या 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 दिखाया जाता है इस टूर पे। तो बने रहिए मेरे साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बोट में ही वो ढाव क्रूज़ होता है जो दुबई का बहुत ही फेमस है, तो वो भी अगर आप हो सके तो ज़रूर लेना, मिस मत करना। तो शुरू शुरू में जो ये स्पीड बोट है, तो ये तो बहुत ही स्लो चल रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन जब ओपन सी में चला जाता है तब ये जो स्पीड लेती है भाई साहब, आप बने रहिए, आप देख पाएंगे कि मतलब मेरी हालत देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कितना स्पीड ले चुकी थी बोट। अभी हम लोग ब्लू वाटर्स होकर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में हम लोगों का फेमस आयन दुबई। हम लोगों का पहला फोटो स्टॉप था एकदम पाम अटलांटिस के सामने। तो ये है कुछ पिक्चर्स जो आप देख पा रहे हैं उसके। तो
तो ये कुछ अजीब दिखने वाला होटल या कुछ है, मालूम नहीं मुझे। अगर आप लोगों को मालूम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि एग्जैक्टली क्या है। तो मुझे तो होटल ही लगता है। सच बताऊँ तो मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे एक्चुअली वाटर स्पोर्ट्स में उतना करने का मतलब साहस नहीं आता, बहुत ही डरता हूँ मैं ये सब से। तो फिर भी मैंने कोशिश तो कर लिया इस बार, नेक्स्ट बार और कुछ कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो है बुर्ज अल अरब। तो चलिए चलते हैं, उधर जा के रुकते हैं और उधर के कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करेंगे बोट के अंदर से ही बैठ के। तो ये कुछ स्टिल पिक्चर्स है जो कि हम लोग बुर्ज अल अरब के सामने लिए थे। प्रिंस आइलैंड तो ये बोट में होता है क्रूज टूर। तो इसमें थोड़ा कॉस्ट तो हाई रहता है, लेकिन इसमें लंच या ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड रहता है। ये आपके हिसाब से जो आप पैकेज लोगे उस हिसाब से, इधर अर्ली मॉर्निंग जाओ तो ब्रेकफास्ट और दोपहर को जाओ तो लंच भी इंक्लूडेड रहता है। तो पाम आइलैंड का पूरा एक चक्कर लगा के अभी हम लोग लौट रहे अपने एंड पॉइंट की तरफ। तो ओवरऑल तो राइड बहुत ही बम्पी था, बस वो स्टार्टिंग के कुछ 5 मिनट और एंड के कुछ 5 मिनट, जब मतलब वो पियर से जस्ट निकली थी तो सी एंटर करने से पहले तक और जब पियर में घुस रही थी, वो जो 5-10 मिनट थे वो थोड़ा काम थे। उसके बाद तो भाई एकदम उछल कूद करके पूरा कमर दर्द कर दिया था भाई, बहुत ही बम्पी राइड है। तो अगर आप ये सबसे डरते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सोच लो, मेरा वीडियो देख लो, अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है कर सकते तो ही करो, वरना मत करो। तो अभी हम लोग ये 90 मिनट्स का ट्रिप ख़त्म करके पियर में लौट चुके हैं। तो ओवरऑल ट्रिप वॉज वर्थ द मनी। तो आगे के वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो ये वीडियो मैं यही करता हूँ ख़त्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए सायोनारा सायोनारा।